नगर पालिका के विद्युत कर्मचारी को बरेठ रोड पर लाइन ठीक करते समय कट लग गया, जहां विद्युत कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें शासकीय राजीव जन चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। वहीं सूचना लगते ही नगरपालिका के सीएमओ निशांत ठाकुर मौके पर पहुंचकर कर्मी का हालचाल जाना। खंभे पर नजर नहीं लगा था, टच हो गया था जी, करंट लग गया, नशे नहीं नशे उतर के रह गया। फिर यहाँ कौन लेके आए आपको? कर्मचारी जी लेकर आए, नंदू, संतोष, सुंदर, सुंदर भाई और दीपक सुपरवाइजर। काम करते हैं तो आपको कोई परमिट वगैरह नहीं दिया था कि चालू लाइन में आप काम कर रहे थे? परमिट मरमट तो आप जो लोग जाने लेते हैं कि नहीं लेते हैं जी। हमारी ड्यूटी रहती है सर 15 दिन आगे, 15 दिन छोटी गाड़ी चलना, 15 दिन बड़ी गाड़ी चलना। हमारा टन तो हो चुका था पूरा, मना भी कर रहे थे कि हम छोटी गाड़ी में नहीं जा रहे, बड़ी पे जा रहा, तो भी हम जबरदस्ती बड़ी साथी काम करते हैं जी, नशेनी का काम करते हैं, खंबे पे नशेनी लगा रहे थे, केबिल वहाँ लटक रही थी, केबिल के नशेनी से टकरा गई और इनको एकदम करंट लगा, भाई के भाई गिर गए थे। ठीक, अभी मौके पर डॉक्टर साहब आए थे? नहीं, मौके पर कोई डॉक्टर साहब नहीं आया, भाई के भाई बैठे बैठे पर्चा बना दिया था और लिख दिया था उनने, पहले चले जाओ उसको भर्ती कर दो वहाँ पे। नहीं कुछ नहीं किया, हाथ तक पकड़ के नहीं देगा। हाँ साथ ही, इसलिए हम खुद ही लेके आए इनको। क्या बता रहे हैं डॉक्टर साहब? कुछ नहीं, पर्चे पे जो लिख दिया, क्या क्या लिख दिया, बाटा लिंगरेशन उनको लगा दिया। कौन से डॉक्टर साहब आए थे? नाम नहीं जानते उनका। देखने के लिए आए थे कोई डॉक्टर? इधर कोई नहीं आया, नहीं। अब कैसी स्थिति है मरीज की? अब वो सो रही है मरीज, अपने क्या पता कैसी है कैसी नहीं है। क्या नाम है? चंद किशोर मालवी। यही कर्मचारी को करंट लगा है, कहीं काम कर रहे थे सर। कौन है और अब कैसी स्थिति है सर? और कहीं ना कहीं सुरक्षा के कोई इंतजाम, जैसे ग्लव्स वगैरह भी उन्हें नहीं दिए गए थे सर, क्या मानते हैं सर, कहीं ना कहीं लापरवाही है? देखिए, अभी हमें सूचना प्राप्त हुई है कि नीलाधार नामक एक कर्मचारी को कार्य के दौरान करंट लग गया है। तो ये क्या है, मशीनी लगाने का काम करते हैं और कुछ जैसे कि आप कह रहे हैं सेफ्टी इक्विपमेंट, तो सेफ्टी इक्विपमेंट्स नगरपालिका सभी कर्मचारियों को उपलब्ध कराती है। उन्हें बार बार निर्देशित भी किया गया है कि सेफ्टी इक्विपमेंट्स के साथ ही काम करें, और कुछ ना कुछ मैं मानूंगा इसमें कि प्रभारी की लापरवाही है, क्योंकि उन्हें पहले सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि सभी सेफ्टी इक्विपमेंट्स के साथ ही काम हो रहा है। कर्मचारी का कहना है कि मेरे मना करने के बाद भी हाँ मुझे ड्यूटी दी गई, उसका क्या कहेंगे? नहीं देखिए प्रकार की, और इस समय क्या है शहर में स्टेट लेवल का काम थोड़ा गतिशील है, क्योंकि त्यौहार भी आ रहा है, लोगों से थोड़ा अतिरिक्त काम का दबाव हो सकता है, परंतु इस प्रकार की कोई शिकायत मुझे नहीं मिली कि जबरदस्ती मुझे काम दिया गया।